नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पत्रकार और पत्रकारिता को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में पत्रकारिता का स्तर काफ़ी गिरा है, जिसके लिए पत्रकार समूह और पत्रकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीन स्तंभ हैं, लेकिन चौथे स्तंभ का दर्जा पत्रकारिता को प्राप्त है। ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए तो तीनों स्तंभों पर निगरानी करने का काम पत्रकारिता का है, लेकिन आज के समय में पत्रकार इन तीनों स्तंभों की खामियों को प्रकाशित और प्रसारित करने के बजाय इनके पक्ष में ही कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरोकार मीडिया जन सरोकार के तहत एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर जनता से जुड़े मामले प्रसारित किए जाएंगे। इस प्रसारण के दौरान हम चाहते हैं जनता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, जिन मुद्दों को उठवाना चाहते हैं हमारे मीडिया चैनल द्वारा, तो अपने समाचार और उनकी सूचना वीडियो के मार्फत व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर प्रेषित करें। हम समाचारों को प्रसार जन जन तक करेंगे। आशा है कि आप सरोकार मीडिया के इस प्रोग्राम में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब। हम उनसे देश में अभी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पे भारतीय जनता पार्टी की अलगाववादी नीतियों को लेकर विपक्ष को एकजुट करने के लिए शरद पवार जी की मेहनत को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को जो चुनौती दी है उसको लेकर सांप्रदायिकता की राजनीति जिस तरह से 5 राज्यों में फैलाने का प्रयास कर रही है, जिसमें केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य शामिल हैं, उनमें विपक्षी दल किस तरह की रणनीति बनाए जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सके, उसको लेकर भी श्रीवास्तव साहब से बात करेंगे। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने की रणनीति पर चल रहे हैं, उसको देखते हुए भारत की अन्य पार्टियों को क्या करना चाहिए, क्या जनता को मुफ्त की सुविधाएं देकर अच्छा शासन किया जा सकता है। इसी तरह के अन्य राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटें सिर्फ जीती है और वो 200 सीटें जीतने की दावे कर रही है, और जिस तरीके से वहां खूनी संघर्ष हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़े का माहौल है, खून खराबा हो रहा है, अमित शाह साहब की माने या विजय वर्गीय जी की माने जो कि प्रभारी है पश्चिम बंगाल में भाजपा की ओर से, कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान जाया नहीं जाएगा, इस तरह की राजनीति को आप एक वरिष्ठ नेता होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बारे में वैचारिक रूप से चाहे हमारे जो भी मतभेद हो, लेकिन उनके काम करने की शैली के बारे में और उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल के बारे में मैं कह सकता हूँ कि आज जो कर रहे हैं यह उनकी आदत में शुमार है। केरला में पिछले 20 साल से इसी तरह की स्थिति बनी रही और हरदम लगता था जैसे केरला में बीजेपी आ जाएगी, मतलब यह बढ़ जाए, लेकिन कहीं कुछ बढ़ा हुआ नहीं। बंगाल में जरूर जो सीपीएम का गढ़ था उसको
ममता जी ने चुनौती दे करके बहादुरी के साथ सड़क पे लड़ करके लोकतांत्रिक रूप से वो सीपीएम को हराया और खुद सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद उनका रवैया और दलों जैसा ही कुछ कुछ हुआ और उनके चूंकि पार्टी के अंदर मैं कहता आया हूं कि किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी इनर डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, उसके नाते बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और जिसके नाते लोग छोड़ने का मौका देखते हैं। आज बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा किया है, आप दो का उदाहरण जरूर दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा किया है, उसके भरोसे या उसको देख करके उनका मनोबल और बढ़ गया है। वो ये भूल जा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ममता बनर्जी नहीं थी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे, इसलिए लोगों ने ममता बनर्जी वर्सेज नरेंद्र मोदी में केंद्र के लिए नरेंद्र मोदी को जरूर चुन लिया वहां पे, हालांकि वो भी बहुत अप्रत्याशित था। लेकिन इस चुनाव में विधानसभा के चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी इतना हंगामा, इतना पैसा, इतने नेताओं के दौरे करने के बाद जरूर दहाई 10 से 20 सीट के बीच में पहुंच जाए, तो मेरे जैसा राजनीतिक व्यक्ति जो शुरू से ही देखता आ रहा है ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस पार्टी ही मीडिया में चुनाव दिखाई दे रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की कहीं भूमिका या अन्य दलों की दिखाई नहीं दे रही है, इसको किस नजरिए से लेंगे आप? देखिए आज की मीडिया जो है, यद्यपि बंगाल की मीडिया के बारे में एग्जैक्टली वो नहीं है जो पूरी देश की मीडिया जो है जिसको गोदी मीडिया कह दिया गया है या बीजेपी के हाथों का खिलौना बन गई है, वह जब तक ये नहीं दिखाएंगे तब तक जो ममता से नाराज लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जो ममता से नाराज हैं वो सीपीएम को दे देंगे या कांग्रेस गठजोड़ को दे देंगे। लेकिन वो बार बार यह दिखा रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस तो कहीं है ही, जो लोग 60-70 सीट जीते हुए हैं उनको कह रही है मीडिया कुछ नहीं, ताकि जो ममता से नाराज लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है बीजेपी निश्चित ही कोई और चतरा फंड नहीं होगा, बीजेपी होगी लेकिन बहुत पुअर। सर एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एक धुरी का काम करते रहे हैं और फिर वो ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट हों, उस दिशा में पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई जो है प्रयोग क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए मैं अभी एनसीपी में नया आया हूँ, लेकिन शरद पवार जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं 50 साल से जानता हूँ और उनकी कार्यशैली को भी जानता हूँ। इन दिनों जो मेरी जितनी भी मेरी बातचीत हुई उनके दिमाग में केवल और केवल बीजेपी को रोकने का है और वो समझते हैं कि ममता बनर्जी इस समय बीजेपी को रोक सकते हैं। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनका मजबूत गढ़ रहा है वहां पे, लेकिन कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है दोनों के बीच में और शायद ना बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से मुख्य विपक्ष की भूमिका में सीपीएम और कांग्रेस रहेगी और ममता की सरकार बनेगी, बीजेपी कहीं नहीं आने वाली है। उनके इस हंगामे से, प्रचार से, पैसे से और ये जो लोग दल बदल कर जा रहे हैं इन सबको केवल एक नाटक का एक अंश आप समझ लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूरगामी राजनीति के लिए सीपीएम और कांग्रेस को बंगाल में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और अगर अब की बार नहीं तो अगली बार उनकी भी सरकार बन सकती है। अच्छा ये जो 5 राज्यों के चुनाव निकट भविष्य में हो रहे हैं, इसके बाद क्या जो है शरद पवार साहब के नेतृत्व में समूचा विपक्ष
2024 को चुनौती देने के लिए लोकसभा के चुनाव में एकजुट हो जाएगा? देखिए, विपक्ष के सभी नेताओं में शरद पवार जी एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, ताकतवर नेता है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जो पटकनी दी है इसके बाद कुछ कहने के लिए नहीं है। और बकिया जितने भी नेता हैं अभी भी उनका क्षेत्रीय राजनीति से थोड़ा भी ऊपर नहीं उठ के आ पा रहे हैं, जबकि शरद पवार जी बहुत दिनों तक केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और वो खुद MP हैं, आज की तारीख में बहुत सालों से MP रह रहे हैं। अब वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अपना आधिपत्य रखते हैं, लेकिन वो राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं। मतलब एक समय था जब उनकी पार्टी के जब बनी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो गुजरात में भी MLA थे, महाराष्ट्र में भी थे, गोवा में थे, केरला में थे, तमिलनाडु में थे, बंगाल में थे, हर जगह, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, सिमट गए। इसकी क्या वजह रही? अब इसकी वजह, मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था उन दिनों, अब क्या वजह थी ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि उनको लोग नहीं मिले हो, या उनकी अस्वस्थता, बीच में काफी अस्वस्थ थे, उनकी अस्वस्थता भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अच्छा, किसान आंदोलन इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, अब राकेश टिकैत को ही मीडिया और सरकार एक अपराधी और करोड़ों रुपए का मालिक घोषित कर उनको ही एक तरह से बदनाम करने में लगी हुई है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का ये तो खेल है। मतलब टिकैत ने अपनी ताकत को दिखाया वहां पे, और उसके अगर एक भावुक हो जाने से लाखों लोग दिल्ली आ सकते हैं, तो उसकी ताकत का अंदाजा इस सरकार को लग गया। जब इनकी ताकत का अंदाजा लगा, तब BJP उसके पीछे जितने भी उनके खिलाफ साजिश हो सकती है वो कर रही है और कर रही है। लेकिन यही बात उस दिन के पहले क्यों नहीं था? उस दिन के पहले तो टिकैत तो इस गोदी मीडिया के फ्रंट लाइन में भी नहीं थे, सारा आंदोलन पंजाब और हरियाणा का दिखा रहे थे, पंजाब का दिखा रहे थे, सिंधु बाड़ी खाली ज्यादा दिखाते थे TV पे। लेकिन अब ये सब आज की राजनीति के बारे में, नैतिकताओं के बारे में बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, ये राजनीति में राजनीतिक दल चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं, अक्सर देखने में आया है कि वो चुनाव के प्रचार तक ही सीमित रहता है, उसके बाद जो है उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इस मामले में जो है राजनीतिक दल सुधरे और जनता की ईमानदारी से सुध ले, उसके लिए क्या होना चाहिए? केवल इसी सूबे तो मैं आपको बता सकता हूं, फिर भी घोषणा पत्र, असलियत यह है कि परिपाटी सी हो गई घोषणा पत्र जारी करने का। मैं पक्का दावा कर रहा हूं उस घोषणा पत्र को उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषणा पत्र बनता है ना, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग भी नहीं सुनते हैं ना पढ़ते हैं। एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी कर दी जाती है, और अब तो घोषणा पत्र नीतीश कुमार जी ने, जनता दल यूनाइटेड का घोषणा पत्र 10 साल पहले प्रोफेशनल लोगों से बनवाया था, पार्टी के लोगों से नहीं, प्रोफेशनल लोग, और जनता तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती है। जिस दिन जनता पढ़ने लगेगी उस दिन सारे राजनीतिक दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जनता पढ़ती ही नहीं। मैं तमाम चुनाव में रहा हूं, और मान ली मैं कभी दफ्तर में बैठा भी रहा हूं, और लोग आते हैं तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो जो भी आता था दफ्तर में ना, पार्टी के दफ्तर में, वो घोषणा पत्र मांगता। अब तो कोई घोषणा पत्र मांगने भी नहीं आता, कोई पत्रकार भी नहीं आता। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिजली, पानी और महिलाओं को DTC बसों में मुफ्त की सुविधा दे रहे हैं, इसको आप राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर
किस नजरिए से देखते हैं? पहले मैं आपकी पहले सवाल का पूरा जवाब दे दूं, तो असल मामला घोषणा पत्र में तो असल बात तो यह है कि कोई पढ़ता ही नहीं, और शायद इसलिए भी लोग नहीं पढ़ते हैं कि राजनीतिक दल भी घोषणा पत्र जारी करने के बाद उसको बस्ती में बंद कर देते हैं, तो जनता सोचती है पढ़ गया क्या है। उसके बारे में मुझे एक बात और भी कहना है, उस घोषणा पत्र का मतलब तब होगा जब पार्टियां ये भी बताएं कि उसको ये कैसे पूरा करेंगे। जैसे मान ली कोई पार्टी घोषणा करती मैं साहब 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, ठीक, वो बताएं ना कैसे कैसे कर देंगे रोजगार, किन किन सेक्टर में देंगे, उन सेक्टर को क्या प्रोवाइड करने वाले को रोजगार देंगे। तो केवल घोषणा पत्र जो है कहने के लिए नहीं, उनको कैसे पूरा करेंगे यह भी बताने की बाध्यता होगी राजनीतिक दलों। आपने केजरीवाल साहब का कहा, ये सारे मुद्दे जो अभी अब आप बता रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म के मुद्दे हैं। देखिए केजरीवाल साहब ने कहा है कि बसों में महिलाओं को फ्री देंगे, ठीक, देखिए सरकार जो है ना इस प्रजा की गार्जियन है, ठीक है, एक मां जैसी है, मां को जब लगता है कि हमारा एक बच्चा की ये दुविधा में है, इसकी ये जरूरत है, तो उसको वो पूरा प्रोवाइड करती है। केजरीवाल को लग रहा है अगर कि दिल्ली की महिलाओं को यह सुविधा दी जाए तो उनकी ज्यादा स्थिति अच्छी बेहतर हो जाएगी, या बिजली का बिल कम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, फाइन, अच्छी बात है। ये सरकार क्या केजरीवाल साहब के घर से पैसा दे रहे हैं? ये जनता का ही पैसा है ना। दिक्कत यह है कि सरकार या सरकारें ये सब जब देती हैं तो जनता को घूस की तरह देती है, जैसा ऐसा लगने लगा है और लोग भी ऐसा ही मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार का दायित्व तो है कि जनता को ज्यादा सुविधा प्रदान करे, तो वो तो कम से कम बिजली का बिल कम कर रहा है ना, वो बस का किराया कम कर रहा है ना, ये तो पूरे देश की नीति रही है शुरू से। आगे रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलती थी, खिलाड़ियों को मिलती थी, बच्चों को मिलती थी, स्कूल जाने के लिए मिलती थी, एग्जाम देने के लिए मिलती थी, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी लोगों को। लेकिन वो सुविधा तो धीरे धीरे केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को तो इन सब चीजों को लेना ही देना नहीं। नरेंद्र मोदी जी की जो अंधभक्त टीम है पूरे देश में, आज पेट्रोल महंगा हो गया उसको जस्टिफाई करने के लिए 1000 मीडिया सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं, 1000 उन हरामजादों को नहीं लग रहा है कि देश में गरीब किस तरह से भूखे मर जाएगा छोड़ देगा। अच्छा सर, केजरीवाल के बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर बिजली पानी और डीटीसी में फ्री दे रहे हैं, मुफ्त सेवा दे रहे हैं जनता को, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे कि जो सरकारी स्कूलों में परमानेंट तौर पर शिक्षक नहीं है उनको परमानेंट किया जाएगा, डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टरों को जो है पक्का किया जाएगा, नौकरियां सृजित की जाएंगी, रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा, एजुकेशन लोन गारंटी दी जाएगी, वो जमीनी स्तर पर जो है ईमानदारी से नहीं हो रहा है और सिर्फ बिजली पानी और डीटीसी जैसी चीजों को दे दिया गया है, अगर लोगों को रोजगार दिया जाता तो इन 3 चीजों को मुफ्त लेके एक परिवार को 2000 रुपए की बचत है, अगर नौकरी मिल जाए एक परिवार में और व्यापार के लिए सस्ता लोन मिल जाए तो 2-3 हजार रुपए तो आदमी दे सकता है। तो मूल समस्या खत्म ना करके चैरिटी के तौर पे जो मदद करना, क्या किसी सरकार के लिए सही है या देश के और राष्ट्र के भविष्य के लिए सही है? पहले मैं आप पहले वाले सवाल का पूरा जवाब दे रहा हूं। असलियत यह है कि केजरीवाल साहब तो इन सब चीजों में देना, और ये इस तरह की परिपाटी रही है सरकारों की कि बिजली बिल कम करना या ज्यादा करना, ये तो सरकारें करती रहती है। तमिलनाडु की सरकार या आंध्र प्रदेश की सरकार, जो 2 रुपए किलो चावल का आया ना, 1 रुपए किलो चावल के देश की गरीब की जनता को सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया कि देश का एक बड़ा खजाना गरीबों के नाम पे
1 रुपए किलो चावल बेचा जाएगा। आपको मालूम तमिलनाडु में लोगों को टेलीविजन दिया गया चुनाव में, चुनाव के बाद पहले, चुनाव के पहले सबको टेलीविजन देगी हमारी सरकार जीत जाएगी, तो मतलब बेशर्मी की हद थी। सोने का चेन दिया जाएगा, ये सरकार दे लेगी। तो जनता को घूस देने का काम की मनोवृत्ति बन गई है सरकारों की। उनको अगर उनका मन वास्तव में गरीब को मदद करना है, 1 रुपए किलो चावल देकर के 2, ठीक है अच्छा, लेकिन घूस है तो ठीक नहीं। केजरीवाल साहब अगर सुविधा दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर घूस दे रहे हैं तो ठीक नहीं। और जहां तक उन्होंने और वादे किए हैं उनको पूरा करना चाहिए, मैं उनकी सरकार हूं नहीं, लेकिन सरकारों में ही कहना ना कि सरकार जो वादा करती है वो अपने घोषणा पत्र में लिखे कि इसको कैसे पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने कहा था ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और लगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में उनको अभी 4% का खर्च है, अगर सरकार का बजट है तो 8% खर्च हो गया, ठीक। तो ये 4% एक्स्ट्रा कहां से आएगा? या तो सरकार बताए कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, या सरकार बताए कि हम इन विभागों में जो फिजूल खर्ची है इसको कम करेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि इस वक्त जो है देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने प्राथमिकताएं जो तय की पिछले 6-7 सालों में शासन के दौरान, जैसे राम मंदिर का मामला, 3 तलाक का मामला, अनुच्छेद 370 और 35A, और आपका किसानों का बिल, GST, नोटबंदी, ये सब किए। लेकिन जो इनके मैनिफेस्टो में मेन जिससे पूरी देश की व्यवस्था ठीक हो सकती थी, समान नागरिक संहिता, उसको ना करके ये ऐसे ही मुद्दे उठा रहे हैं जिससे हिंदुत्व को जागृत किया जा सके और वोट पोलराइज किया जा सके। तो क्या इनकी प्राथमिकताएं जो है गलत तरीके से सेट है, या ये करना नहीं चाहते? देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर लोग घूस दे रहे हैं, एक तो पैसे का घूस हो गया मदद कर दिए, अब एक भावनात्मक रूप से घूस देना या भावनात्मक रूप से लोगों को इकट्ठा करना, धारा 370 खत्म करने से हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इन अंधभक्तों ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो तो ये खुश हो जाएंगे, ऐसा समझते हैं। तो उन हिंदुओं को खुश करने की कोशिश हो रही है जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने से उनको खुशी होती है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, नुकसान को तकलीफ हो रही है, मुसलमानों को तकलीफ होगी इससे कुछ हिंदू खुश हो रहे हैं, उन हिंदुओं को खुश करने का ये प्रयास हुआ है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो NCR का मामला हो, ये सारा चीज उन तथाकथित हिंदुओं को खुश करने का एक कोशिश है। जो असली काम भाई, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का कहा था, कोई पूछे ना कहीं से, कहां गया रोजगार भाई? असल मुद्दा तो रोजगार का था, हम ये मान रहे थे। भ्रष्टाचार भी कोई माप ही नहीं कहा भ्रष्टाचार, वो तो जब सरकार थी बाहर जाके तरफ पता चलेगा कितना भ्रष्टाचार हुआ है, बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है, और असदुद्दीन ओवैसी और राजभर जैसे लोग अलग मोर्चा बनाए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे बेदखल? बेदखल तो जनता करती है, ये नेताओं को कुछ गलतफहमी है अपने बारे में, ये लोग कुछ कर देते हैं। लेकिन वोट डिवाइड हो जाएगा तो वैसी स्थिति में तो बीजेपी को फायदा होगा। ये मैं कह रहा हूं कि वास्तविकता तो बेदखल जनता करती है, जब जनता तय कर लेगी तो ये चाहे जितने बिखरे हुए लोग रहेंगे ना वैसे वोट दे देगी कि इन सबको
सरकार बनाने के लिए एक होना पड़ेगा और बीजेपी खासी बनेगी। जब तक जनता नहीं तय करेगी तब तक इन नेताओं के तय करने से भी कुछ बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर जनता के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़े विपक्ष और सब इकट्ठे हो जाए तो 100% सरकार बन जाएगी विपक्ष, बीजेपी हार जाएगी। तो ऐसा करने की दिशा में जो है क्या हो रहा है? मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं कि मतलब मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है। नहीं, आप उस बड़े नेता के साथ अब हैं। लेकिन लेकिन ये सच है कि जो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम अकेले लड़ेंगे, ये नंबर दो और नंबर तीन श्रेणी के, नंबर चार श्रेणी के नेता लोग बोलते हैं, उनका टॉप लीडर नहीं ऐसा बोलता है नंबर एक। और अगर टॉप लीडर बोल रहा है ये बात तो उसकी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ है। अगर उसको आरबीए समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी को हटना हमारी पहली प्राथमिकता है, वो ना हो जाए न समझौता होगा, नहीं बोलेगा कैसे? अभी समझौता नौने में बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसकी प्राथमिकता उसका मानसिक रूप से यह होना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए हम सबसे सामना, जो बड़ी पार्टी उसकी जिम्मेदारी है। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अगर वह पार्टी इस जिम्मेदारी का वहन नहीं करती है तो जान लीजिए कि उसके मन में खोट है और वो कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है, इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहा है। क्या विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी? शरद पवार जी विपक्ष के नेताओं में सबसे सीनियर मोस्ट है, सबसे ताकतवर है, सबसे कद्दावर है और खेती के मामले किसानों के परिपक्व नेता। अब वो प्रधानमंत्री के या विपक्ष को एक करने की में कितनी उनकी भूमिका होती है ये भी बहुत बड़ा मायने रखेगा, और उनको क्षेत्रीय दलों का कितना समर्थन मिल रहा है इस पर भी मायने रखेगा। और मैं समझता हूं कि उनके इर्द गिर्द सभी विपक्षी दल इकट्ठा होंगे और उनके नेतृत्व में ये काम हो सकता है, ये अभी करने की जरूरत है। और हमें कांग्रेस को अभी छोटा आंकने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर खुद में ही नहीं संभल पाए, अगर वो अपने पार्टी को ही लेकर नहीं चल पाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार तो नहीं। मैं आज भी चाहता हूं, समझता हूं कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने की। अगर वो इस काम में पहल करेगी तो कोई दो राय नहीं कि हम सब लोगों के साथ, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है कांग्रेस, तब हम शरद पवार जी को, चूंकि कद्दावर कभी शरद पवार जी ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला, यह तो मजबूरी को नहीं कर रहे हैं तो हम करें, सब क्षेत्रीय दलों को सब पार्टियों को इकट्ठा करें देखें, लेकिन हम बीजेपी को रोकने के लिए हम कुछ भी करें। नमस्कार।